दोस्तों आप सभी ने जेल पेन्स को यूज़ करते हुए एक बात तो नोटिस करी ही होगी कि जेल पेन के रिफिल में कुछ इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट जल देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब जेल पेन को बनाया गया था तब रिफिल में जेल को नहीं डाला जाता था, और अब जैसा कि हम जानते हैं जेल पेन की इंक वाटर जेल बेस्ड होती है जिसमें कलर पार्टिकल को डाला जाता है। इस इंक की बहुत खास टेंडेंसी होती है जिससे ये ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो करती है। अब अगर इस कंडीशन में जेल पेन को उल्टा कर दिया जाए तो इसकी इंक बड़ी आसानी से रिफिल के बाहर आकर कपड़ों को खराब कर सकती है, और ऐसा होता भी था। साथ ही साथ पेन का यूज न होने की वजह से ये इंक सूख जाया करती थी। इसी सभी प्रॉब्लम्स की वजह से इस सिलिकॉन जेल का आविष्कार किया गया। ये इतना थिक होता है कि ये पेन के रिफिल के अंदर एक वैक्यूम को जनरेट कर देता है, जिसके चलते ना ही इंक बाहर की तरफ जाती है और ना ही वो कभी सूखती है। और अगर बात की जाए बॉल पेन की तो उसकी इंक काफी ज्यादा गाढ़ी होती है जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती और उसमें जेल की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।